press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome back to my channel Beauty Blog. आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ एक कंपैरिजन शेयर करूंगी बिटवीन बियर्डो के दो प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, बियर्डो का एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश और बियर्डो का डी टैन फेस वॉश। इन दोनों ही प्रोडक्ट पे मैंने इनकी इंडिविजुअल वीडियोस भी की हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगी, आप वो वीडियोस भी देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में मैं कुछ बेसिक डिटेल्स कवर अप करूंगी इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में, कि जैसे इनका प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितनी मिलती है, एंड पैकेजिंग और इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, इनका पर्पस क्या है और शेल्फ लाइफ क्या है। ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो मैं इस वीडियो में कवर अप करूंगी। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी आने वाली कोई भी वीडियोस को मिस ना कर पाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश से। तो ये है बियर्डो का एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश। ये 100 ml का प्रोडक्ट आपको 250 rupees का मिलेगा। तो बियर्डो D10 का जो फेस वॉश है वो भी आपको सेम प्राइस में ही मिलेगा और सेम क्वांटिटी भी मिलेगी। अगर इनकी शेल्फ लाइफ की बात की जाए तो दोनों ही प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ 24 months है। आप 2 साल तक इनको आराम से यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं। तो बियर्डो का एक्टिवेटेड चारकोल जो फेस वॉश है उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है एक्टिवेटेड चारकोल और इसमें ग्लिसरीन भी है। जबकि जो बियर्डो का D10 फेस वॉश है उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स। तो ये इनके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। अब डायरेक्शन टू यूज की बात की जाए तो दोनों ही फेस वॉश आपको सेम तरीके से यूज करने हैं। जैसे आप बाकी फेस वॉश यूज करते हैं वैसे ही ये भी फेस वॉश आपको यूज करने हैं, कोई अलग तरीका नहीं है इनको यूज करने का। अगर पैकेजिंग की बात की जाए तो दोनों ही प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऑलमोस्ट सेम है। ये ब्लैक कलर की ट्यूब पैकेजिंग में आती है जो कि काफी ट्रेवल फ्रेंडली है। अगर आप इनको कहीं कैरी करके ले जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं। इसका जो कैप है दोनों ही प्रोडक्ट्स का वो फ्लिप एंड ओपन कैप है, तो प्रोडक्ट लीकेज नहीं होती है जो कि बहुत ही अच्छा है। तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रेवल फ्रेंडली प्रोडक्ट भी हैं। अगर बात की जाए कि इनका पर्पस क्या है और ये क्लेम क्या करते हैं, तो बियर्डो का जो एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश है वो आपकी स्किन से सारी डर्ट और इम्प्योरिटीज को निकालता है और अगर आपके फेस पे एक्सेस ऑयल है उसको भी रिमूव करता है। मतलब ओवरऑल आपकी जो स्किन है उसको डीपली क्लेंस करता है ये एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश। मेराज जो D10 फेस वॉश है वो भी सेम काम ही करता है, आपकी स्किन को क्लीन करता है और जो एक्सेस ऑयल है उसको रिमूव करता है, और ऑयल रिमूव करने के साथ साथ ही आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करता है। इसमें विटामिन ई है इसीलिए ये ड्राई नहीं होने देता है आपकी स्किन को। इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि अगर आपके फेस पे टैनिंग वगैरह हो गई है तो ये टैनिंग को भी रिमूव करता है, जबकि जो एक्टिवेटेड चारकोल वाला फेस वॉश है ये टैनिंग को रिमूव नहीं करता है, ये सिर्फ डर्ट और इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है। जैसे कि अगर आप कभी घर के बाहर गए हैं देन उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपके फेस पे बहुत ही ज्यादा डर्ट इकट्ठा हो गई है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, तो ये इंस्टेंटली आपको ग्लोइंग लुक देगा और आपकी जो भी डर्ट है इम्प्योरिटीज हैं फेस पे उनको रिमूव कर देगा। और जबकि जो T10 फेस वॉश है ये आपकी जो सन टैनिंग हो गई है उसको रिमूव करता है और आपको सन की रेस से भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये बेसिकली पोल्यूशन बेस्ड है कि पोल्यूशन कंट्रोल करता है, ऑयल कंट्रोल करता है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये आपकी एक्नी को भी कंट्रोल करता है। और जबकि ये वाला जो फेस वॉश है ये आपको सन की रेस से प्रोटेक्ट करता है और आपकी जो टैनिंग हो गई है उसको रिमूव करता है। तो दोनों ही फेस वॉश जो हैं उनके अलग अलग पर्पस हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं एंड थोड़ा सा डिफरेंस भी है दोनों प्रोडक्ट्स में। ये दोनों ही फेस वॉश सारे ही स्किन टाइप के लोगों के लिए हैं, तो अगर आपकी स्किन ड्राई है चाहे ऑयली है चाहे कॉम्बिनेशन स्किन है आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपको कौन सा फेस वॉश यूज करना चाहिए तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ये कन्फ्यूजन, कि अगर पॉल्यूशन वगैरह बहुत है आपकी सिटी में एंड आपको क्लीन एंड क्लियर एक स्किन चाहिए, डर्ट और इम्प्योरिटीज रिमूव करनी है तो आपको ये वाला फेस वॉश यूज करना चाहिए, और अगर आपको अपनी सन टैनिंग रिमूव करनी है तो आपको ये D10 वाला फेस वॉश यूज करना चाहिए। तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों प्रोडक्ट्स में। और बाकी अगर बात की जाए कि इनकी क्वालिटी कैसी है तो ये लिटरली दोनों ही फेस वॉश बहुत अच्छे हैं। मैंने इन पे इंडिविजुअल वीडियोस भी हैं तो आप वो वीडियोस भी देख लीजिएगा अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए इन दोनों प्रोडक्ट्स पे। तो ये था मेरा आज का कंपैरिजन वीडियो इन दोनों प्रोडक्ट्स पे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए मेरा ये वीडियो यूजफुल रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी आने वाली कोई भी वीडियोस को मिस ना कर पाएं। थैंक यू।